सर रीना चंदेल, न्यू आजीविका स्वयं सहायता समूह से हूँ। सर इसका हमारी मिठाई का रुझान बहुत अच्छा है, हमें बाहर से ऑर्डर, हम दिल्ली नोएडा तक हम इसकी सप्लाई कर रहे हैं, अमृतसर पटियाला तक और अपने शिमला कांगड़ा यहाँ सब जगह हमारी ये जो मिठाई है लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। मंडी तक मंडी में भी अभी लोग ले गए हैं 15-20 kg के करीब, घर से हमारा सामान जा रहा है, बाकी स्टॉल जो लग रहे हैं वो अलग से। सर हमने 10 महिलाएं जो हैं वो सिर्फ बनाने का ही काम कर रही हैं, बाकी कद्दूकस का जो है वो और महिलाएं काम कर रही हैं, इस तरह से काम बांटा, कोई सेमियां से और सीरा बना रही हैं, कोई बढ़ियां बना रही हैं, तो 60-70 महिलाएं जो हैं वो इस टाइम हमारे ग्रुप के साथ काम कर रही हैं। सर जैसे DRDO से आती है हमें, एक्स सर्विस मैन जो है हमारे यहाँ से आती है, बाकी और शिमला से आती है DRDO की तरफ से, तो वहाँ पे हमारी जो है वो रखी जा रही है मिठाई। सर इसमें हम आमला बर्फी भी लाए हैं, आमला पपीता भी लाए हैं, तो ये तो फ़ायदा तो हमको भी है, हमने ट्रेनिंगें की हैं, सीखा है और बिल्कुल नेचुरल तरीके से है सारा, इसमें घी तेल पानी कुछ नहीं है। और ये देखो अपनी हमीरपुर की मिठाई है, लोकल मिठाई है, तो मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा लोकल मिठाई खाओ और सेहत भी और स्वाद भी है इसमें। तो मैं जैसे मेरे साथ 35 लेडीज काम कर रही है तो उनको भी रोज़गार मिल रहा है, और ऐसे भी मैं DC ऑफिस स्टॉल लगाती हूँ, तो मैं सभी से ये बोलना चाहती हूँ कि पहले तो दिवाली की मुबारक एक्स्ट्रा पहले ही, तो ये मिठाई लो आप, और ये इस मिठाई में इतना देखो हार्ट वाला मरीज़ भी खा सकता है, शुगर वाला भी खा सकता है, और कोई भी बीमारी वाला मरीज़ इसमें जो भी है चीज़, ये पपीते के दूध पानी से बनती है, ऐसा नहीं कि शुगर वाला नहीं खा सकता, ऐसे भी लोग मीठा खाते हैं, तो अपनी लोकल हमीरपुर की मिठाई इसको मशहूर करो। और तो मैं सब हिमाचल वासियों को बोलती हूँ कि अपनी जैसे हमारा ऐसे नहीं है, हम हमीरपुर में भी स्टॉल लगता है, हमीरपुर से बाहर भी जाते हैं, लेकिन हमें किसी से भी आज दिन तक कोई ऐसा नहीं आया कि आपकी मिठाई अच्छी नहीं, हम आगे से आगे निखरते जा रहे हैं, इसी मिठाई का मेरा पालमपुर से क्लासा लग रही हैं, तो इसी का आगे और सीख रही हूँ, तो मैं सभी आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम सपना कुमार, हमें लाभ तो जैसे हम घर से बाहर नहीं निकलते थे, इस ग्रुप से जुड़े हैं तो हमें महीने का 8-10 हज़ार पे बन जाता है हमारा, तो ग्रुप के जुड़ने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा, कुछ काम का भी पता लगा कैसे चीज़ें बनती हैं कैसे नहीं, तो इस वजह से हम जैसे स्टॉल वगैरह लगाते हैं तो मैम के साथ आते हैं। तो क्या आपने काम इन्हीं के साथ सीखा, ग्रुप से जुड़े उसके बाद ही आपने काम सीखा है? हाँ जी हाँ जी, इन्हीं के साथ जुड़ी हूँ तो काम भी सीख रही हूँ, इनके साथ जा भी रही हूँ मैं। हाँ जी, कितनी महिलाएं आपके जैसी और हैं जो इनके साथ जुड़ के काम? अभी तो इनको ग्रुप हो गया, 60-70 महिलाएं हो गई हैं।